नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में और मैं हूं आपके साथ स्वराज श्रीवास्तव। आज 1 अप्रैल है, यानी कि अप्रैल फूल डे, और हो सकता है कि आज आपने भी कई लोगों को अप्रैल फूल बनाने का प्लान किया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर हम 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाते क्यों हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आज आप मिस मत कीजिएगा। वैसे तो अप्रैल फूल डे को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं और कहानियां हैं, लेकिन इनमें से जो मान्यता सबसे ज्यादा प्रचलित है, आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। इस मान्यता के अनुसार दरअसल इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। उस समय फ्रांस में जूलियन कैलेंडर मान्य था और जिसके अनुसार नया साल 1 अप्रैल को मनाया जाता था। और कई लोगों का तो यह भी कहना है कि यह नया साल करीब 8 दिनों का होता था, जो कि 25 मार्च से शुरू होकर के 1 अप्रैल तक मनाया जाता था। इसके बाद सन 1582 यानी 1582 में पोप ग्रिगोरी 13 ने एक नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा गया। और उसके अनुसार नया साल 1 अप्रैल की जगह यानी 1 अप्रैल की जगह 1 जनवरी को मनाया जाने लगा। लेकिन क्योंकि उस समय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए यानी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के साधन बहुत सीमित थे, इसलिए किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए काफी समय लगता था। और इस मामले में भी यही हुआ। इस सूचना को भी लोगों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। और इन सब के बीच जिनके पास ये सूचना पहुंच गई थी, उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कैलेंडर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अचानक से होने वाले इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे लोग अपना नया साल 1 अप्रैल को ही मनाते रहे। ये सब देखकर ग्रिगोरियन कैलेंडर मानने वालों ने जूलियन कैलेंडर मानने वालों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और दूसरे शब्दों में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ग्रिगोरियन कैलेंडर मानने वालों ने जूलियन कैलेंडर वालों को मूर्ख कहना शुरू कर दिया। अब चूंकि जूलियन कैलेंडर को मानने वाले 1 अप्रैल को अपना नया साल मनाते थे, इसलिए उन्हें अप्रैल फूल कहा जाने लगा, और तभी से ये अप्रैल फूल शब्द प्रचलन में आ गया। अब परिवर्तन को तो लोगों को स्वीकार करना ही पड़ता है, और समय के साथ साथ जैसे जैसे ये सूचना लोगों तक पहुंचती गई, लोग इस परिवर्तन को भी स्वीकार करते गए और 1 अप्रैल की जगह यानी 1 अप्रैल की जगह अपना नया साल 1 जनवरी को मनाने लगे। लेकिन नया साल बनाने की तारीख तो बदल गई, पर अप्रैल फूल वहीं का वहीं रहा, और आज भी लोग 1 अप्रैल को ही अप्रैल फूल डे मनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आज आप किसे अप्रैल फूल बनाने वाले हैं, और साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी बनिए हिस्सा स्वराज श्रीवास्तव यूट्यूब फैमिली का। तो फिलहाल के लिए आप सभी विदा लेता हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद।